हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धनपर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए धनपर का परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय धनपर कहलाता है। एक बार और देख लीजिए। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय धनपर कहलाता है। धनपर दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए धनपर का प्रकार देख लेते हैं। तो नंबर एक देख लीजिए, समतल धनपर। ऐसे धनपर जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल धनपर कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, समतल धनपर। ऐसे धनपर जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल धनपर कहलाता है। नंबर दो देख लीजिए, गोलीय धनपर। ऐसे धनपर जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय धनपर कहलाते हैं। नंबर दो है गोलीय धनपर। ऐसे धनपर जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय धनपर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया धनपर और धनपर का प्रकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।